हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी, नमस्ते। हेलो अंकल जी, किसको बोल रहे? आपको से 1 मिनट बात करनी थी। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, लोग ना सच जानना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, ये जानना अच्छा, चाहते हैं आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा। तो तो क्या हमारी तरफ करें? से हम लोग कई लोगों को बोल रहे हैं कि हम फ्री में उनको सुझाव देंगे ओके जी और उनको ये बताएंगे कि आने वाला साल उनके लिए, समाज के लिए, हाँ जी उनके परिवार के लिए, जी उनके दोस्तों के लिए, हाँ, उनके सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए पड़ोसियों के लिए और और गर्लफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड के लिए और और किसके लिए? औकात में मम्मी, रहिए, आपकी आवाज़ से लग नहीं रहा आपकी होगी। औकात तो मत जा, मैं आके मारूंगा तेरे को। तू अभी ज्यादा सॉरी सॉरी औकात में थोड़ा मत सॉरी जा। हाँ, सॉरी सॉरी, काम की बात कर सिर्फ। मैं वही बोला, अगले साल क्या क्या होगा सुन लीजिए। देखिए, अगले साल पूरे साल भर में मिला के, हाँ, जहाँ तक हम्म, मेरा कैलकुलेशन है, एक सेकंड पेपर पे लिखा है, कुल 11 12, हाँ 12 महीने होंगे भाई साहब अगले साल। तो इसमें नया क्या है? हर हर साल ही 12 महीने होते हैं, तुम्हें टाइम एक छोटी मत कर मेरा सेकेंड सोच हुए। एक सेकेंड, 26 जनवरी को हाँ, परेड होगी दिल्ली में, शानदार परेड। अरे तू पागल है क्या? तू मेरे को काम एक करवा रहा तू? सेकेंड, फरवरी में पूरा देश वैलेंटाइन डे मना सकता है। यार तुम नहीं है, सोचो तुम बताने के लिए फरवरी में वैलेंटाइन डे। हेलो नेटवर्क का हेलो, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कट गया था। सोच, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को ले। रुकिए, मई और जून आते आते गर्मी पड़ सकती है अलग अलग इलाकों में। मैं अभी एक मैं सेकेंड, पागल 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 कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अक्टूबर जाते जाते ठंड आ सकती है, नवंबर में दिवाली मनाई जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पूरे साल भाई साहब। हेलो, मेरी बात सुन, हेलो हाँ मेरी बात सुन मैं ले। इस पूरे साल साइकिल हो या मोटरसाइकिल, सुनिए, हाँ जी, वो 2 पहियों पे चलाई जाएगी। ऐसा है, मैं वहीं आकर फाड़ दूंगा अगर फोन नहीं रखा 2 मिनट। फोन रख। गलत क्यों बोल रहे हैं अब मेरी बात सुन, मैं ध्यान से। अब, हाँ क्या कह रहे हैं आप। मेरे गांव में अगले साल बांस के 4 पेड़ ना 8 इंच बड़े हो जाएंगे, और वो चारों पेड़ ना घुसेड़ दूंगा, पार निकाल दूंगा। फोन आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। फोन। 93.5 FM बहुआ वाले बजाते रहो। हेलो, हेलो हाँ कौन? अंकिल जी, नमस्ते नमस्ते, कौन? जी। मैं तो बउआ बोल रहा था, लेकिन आपको मैं 3 4 बार मिस कॉल मारा था अभी। हेलो, हाँ हाँ, मैं कह रहा था क्या? नया साल आने वाला है, हाँ तो अच्छा, पुराना जाने वाला है, क्या तो एक चीज मैं आपको बता रहा था क्या? कि आपको और आपके हाँ, पूरे पूरे क्या? अरे पूरे मतलब मैं डक उड़ा बोलता हूँ फोन क्यों से कराया? पूरे परिवार को, पूरे पर मेरे पूर और मेरे पूरे परिवार की अच्छा, तरफ से अरे जल्द तरफ से क्या आने वाले आने, अरे बोल ले भाई, आ गए हो है। एक सेकेंड, आने वाले 9 वर्ष की नववर्ष की सुख सुख शांति सुख शांति समृद्धि समृद्धि। अच्छेपन अरे यार, एक सेकेंड, मतलब हाँ पूरे दिल से कामना और हाँ विशेष और हाँ सक्सेस हाँ और और तेरी मारूंगा चार चार टे, समझ में आ गई? ड्रामे करे जा रहा है क्या इतनी देर से? बै 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 क्या नहीं, मैं आप गलत बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं गलत किए। बोले? और तू सही बोल रहा है, जैसे बै बै कोई काम धंधे होते तेरी तरह। हैप्पी न्यू ईयर की विश दे रहा था ना मैं अबे तो है क्या, दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर की विश करने लग रहा है क्या? हाँ शुभकामनाएं दे रहा हूँ, फिर भी नहीं आ, ले नहीं रहे। चाहिए अपने अपने में रख ले शुभकाम। आपको और आपके पूरे परिवार को, लगता है कट गया साले कटाने के तेरे काट दूंगा, समझ में आ गई? पूरे 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 पे ये पूरे अपने पूरे पूरे पारे मोड़ के अपने में डाल ले, खराब करने लग रहा शुरू से। फोन काट दे। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। आपके पूरे, सॉरी हेलो भाई साहब, नमस्ते अंकिल। अंकल, नहीं बोल रहा भाई, मैं अच्छा कौन सॉरी, बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहे थे, नमस्ते। आप आगे बात कर रहे हैं, हाँ आगे बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है?
मैं जी बोल रहा था अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना में उसका वही नोएडा में रहता है काम करता है क्या हो गया निकल लिया क्या वो नहीं नहीं मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाले थे 2 अक्टूबर को क्या है बहुत अच्छा जोक था क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को पंजीकरण गए थे सत्संग के लिए तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था नहीं आगे का क्या मतलब आगे मतलब आपने लिखा 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए राइट हाँ, हाँ। फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था वो वापस आ गए थे उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा नहीं तूने बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था जोक मारेगा उस दिन जोक मारेगा 2 को वही हुआ था क्या मेरी मर्जी भाई तेरी मर्जी तो मैं आगे तो मेरी मर्जी सुन ना 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुँचा है ना दे दी डंडा गलत बोल रहे आप फोन काट अरे एक सेकंड अबे क्यों दिमाग कर रही यार तुम हो गया भाई गलत हेलो एक्सक्यूज मी हेलो 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 कौन की बात कर रहे हाँ जी क्या जी बोल रहा हूँ कौन शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना गेटिंग दिस 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए नहीं हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया इस वजह से हमने शायद तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए सैटरडे संडे मंडे नहीं वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे नहीं नहीं कल एक्चुअली छुट्टी थी ना तो इसलिए अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे गलत नहीं बोलिए कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप हैं नहीं नहीं फिर क्या था 2 अरे आप काम कराओ बकवास मत करो मैडम जल्दी करा खत्म करो आज को गांधी जयंती नहीं थी ना मैं आपको अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम बोलो ना अरे उस सत्संग गए थे ना सत्संग पड़जी लेके मैं और 3 तारीख को वापस 4 तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेके उसके घर पे गायतोंडे ने वो डंडा तेरी हेलो नमस्ते अंकल नमस्ते बेटा क्या हाल है अरे बहुआ बोल रहा हूँ हाँ बहुए बोलो बहुए नहीं बहुए तो बहुवचन हो गया मैं एक वचन बहुआ अकेले ही हो अकेली हूँ फिलहाल तो लेकिन मैं दुकेले हो जाता अगर वहाँ बोल देती लेकिन वो मुझे छोड़ के चली जाती कौन क्यों रो रहा है क्या हुआ रो नहीं रहा हूँ पैर पे कुर्सी का पहिया आ गया अबे ओ पहिये तेरी दे दूंगा तेरी कुर्सी का जल्दी बोल क्या बोल सॉरी गंदा मत बोल मैं कह रहा हूँ पहली गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ी पता है क्यों एक दिन गोलगप्पे की दुकान पे ले गया अच्छा 50 गोलगप्पे खा लिए अच्छा फिर बोलती और खाऊं हाँ। मैंने कहा नागिन खा ले अच्छा छोड़ के चली गई अबे तेरी खा ले नागिन छोड़ के ले जाएगी क्या कहेगा नागिन नागिन नहीं बोला मैंने बोला नागिन काउंट मत कर सॉरी दूसरी गर्लफ्रेंड बताया क्यों चली गई क्यों कहती है मेरा फोन नहीं उठाते अच्छा एक दिन उसके घर पे गया ताला तोड़ के उसका लैंडलाइन ही उखाड़ के ले आया फोन ही उठा लाया तीसरी गर्लफ्रेंड क्यों गई पता है एक दिन मैंने उसको फोन किया बोलती है मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगी अच्छा मैंने कहा तेरे को तो दाल चावल भी बनाने नहीं आता था छोड़ के गई वो भी गंदा बोल रहे तू दुखी लग रहा है अंदर से तकलीफ है तेरे को क्या तुझे भी छोड़ के गई है कोई हाँ भाई मेरे को भी छोड़ के गई क्या हुआ था बता अरे एक बार मैंने उसे फोन किया अच्छा तो कह रही कैसे फोन किया हाँ जी तो मैंने बोला कि मच्छर खून चूस रहे थे इसलिए तेरी याद आ गई पीड़ो चली गई छोड़ के मैं भगा भी देता अब तू फोन रख नहीं तो तेरी मैं तोड़ दूं नहीं ऐसा मत बोलिए हम दोनों का दिल टूटा हुआ है और तू क्या तोड़ने की बात कर रहा है नहीं पास नहीं करना ऐसी आ रही है आ जा दोनों भाई लोग मिलकर गम गलत करते हैं अब गम गलत नहीं कर रख दे तेरा दिल टूटा है भगवान तुझे बुद्धि दे और अच्छी जबान दे गर्लफ्रेंड तो मिल भी जाएगी ठीक है ओके जी ओके बाय हेलो हेलो कौन जी मैं बहुआ बोल रही हूँ अंकिल नमस्ते बहुआ कौन बात किससे करनी है आपसे करनी 2 सेकंड बस मैं काम कर रहा हूँ जल्दी बोलो काम कर दी अच्छा मैं कह रहा था जो प्याज होता है ना प्याज अच्छा तो प्याज के बारे में बड़े बड़े लोगों ने जनता को गुमराह किया है अच्छा प्याज के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा
अच्छा जो आपने नहीं सुने होंगे कि प्याज की, अरे जल्दी बोल, आप काम कर रहा हूँ सौजी, आप कॉल ले आने चाहिए, कॉल मत करियो, कॉल नहीं, एक सेकंड, प्याज जो है अपनी शादी में प्याज ने 5,000 रुपए बचाए। कैसे बचा लिए, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि प्याज की शादी जब हो रही थी तो किसी ने जूता नहीं चुराया और जूता चुराई के पैसे बच गए। हो गई तेरी बकवास, नहीं दूंगा फोन, फोन नहीं, एक सेकंड, प्यार का जूते से क्या लेना देना? यही तो बात है, प्यार आज तक कभी जूता नहीं पहना, इसलिए जूता चुराया नहीं गया शादी में। मतलब प्यार ने जूता भी नहीं पहना? क्योंकि प्यार झुकता नहीं है और जूते पहनने के लिए झुकना पड़ेगा, लेस बांधने पड़ेंगे, इसलिए न उसने जूता पहना और न जूता चुराया गया, 5,000 बच गए। जूता लगे तेरे में डालना, सुधरेगा नहीं, तेरे को बोला चाहता क्या तू? चाहता मैं प्याज की अनकही अनसुनी बातें बता दूंगा, फोन काट दे, कर रहा हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रहा? अच्छा 2 मिनट सुन लो ना यार। अच्छा बक बक, प्याज को पता नहीं है फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है? मतलब? अच्छा मतलब कि प्याज कोई खेल नहीं, कैसे पता उसको? पागल है क्या? पागल है तू? नहीं मैं बउआ हूँ। अबे चल चल, एक सेकंड, सुबह सुबह उठ के प्याज एक्सरसाइज नहीं करते, झूला झूलता है। क्यों? क्योंकि प्यार दिलों का मेला है। अबे गधे, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको प्यार के भाई बहनों से मिलाता हूँ, ठीक है? नहीं मिलना, नहीं मिले, एक सेकंड, ये है प्यार के भाई, ये बड़ा भाई है, लंबा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, भाई बहनों को अपनी मिले ले, मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कर, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। एक आखिरी चीज अंकल, सॉरी, मैं जान रहा हूँ प्यार आपको हजम नहीं होता है, सुनिए, हेलो भोग, प्यार के पापा का नाम पता है कौन था? नहीं पता प्यार के पापा का नाम, जानना है। नहीं, एक सेकंड, प्यार के पिताजी का नाम था मिस्टर चुपके। चुपके? हाँ मिस्टर चुपके, कैसे पता है? नहीं पता रहा ना, एक सेकंड, क्योंकि प्यार हुआ तक धूम धूम चुपके से, तक धूम धूम तेरी तक धूम धूम को गंदा बोलिए, प्यार दे दो, मैं फोन काट दिया। हेलो, हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं अंकल दिख रहा हूँ तेरे को, कौन बोल रहा है? देखो दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो, अबे तो आवाज से भी कैसे होती है? अरे सॉरी यार, माफ कर दे, क्या बात हो गई? बोल क्या कहा? बोल मैं बउआ बोल रहा था। अबे चल बना। हेलो सॉरी भाई साहब, एक मिनट, हेलो अंकिल, फोन कट गया था मेरी गलती से, फिर मेरे को अंकल बोल रहा है, सॉरी यार, आप फोन काट रहे ना इसलिए, एक सेकंड रुकिए ना, पेट में चूहे दौड़ रहे यार मेरे, तो मैं क्या करूँ, खाना खा ले, खाना खाने से चूहे थोड़ी पकड़ में आते हैं, तो मेरा घिनौना क्या तू, क्या तू घिनौना, तू घिनौना मुंह पे, एक सेकंड भाई साहब, मैं कह रहा हूँ पेट में आपके भी चूहे दौड़ते होंगे, एक तरीका अलग सा बता रहा हूँ, बस एक मिनट में बताऊंगा भाई, मेरे पेट में चूहे, एक सेकंड रुक जा भाई, एक सेकंड बस, बोल, पेट में चूहे जब दौड़े ना तो आप ढाई लो, चालू ढाई सर में लगाने वाली ढाई कह रहे, ढाई नहीं भाई, ढाई, अच्छा ढाई, टू एंड हाफ, टू एंड हाफ, अरे वो जीरा और ढाई होता है ना जो मसाले में पड़ता है, अच्छा राई, हाँ मैं ढ को ढ बोलता हूँ, सॉरी भाई साहब, सॉरी, मैं कह रहा हूँ एक ढाई लीजिए चूहा पकड़ने के लिए, चूहा पकड़ने के लिए राई, एक सेकंड, पूरा सुन लो, ढाई लो, ढाई का पहाड़ बना दो, पहाड़ को खोद डालो, खोदा पहाड़, निकला चूहा, पकड़ लो, बात खत्म, अबे तो और कुछ काम नहीं, हंसी आई कि नहीं, अच्छा आइडिया है कि नहीं, बताओ, नहीं आई मेरे को, अजी फोन का डाई डाई, ठीक है डाई, टू एंड हाफ, गले बैठ बैठ, हेलो 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 हेलो, अरे कौन बोल रहा भैया, अरे कौन बोल रहा है, हेलो, अरे बोल कुछ, क्या बात है, अरे बोल क्यों नहीं रहा, जुबान बंद है तेरी, एक दिन वापस लगा दो, इसमें भी बोलूंगा, रत्ती भर नहीं बोलूंगा, हेलो, फिर फोन कर दे, लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, क्या है, क्या सुनेगा तू, हेलो, लड़का है क्या, बेकूफ है, पागल है, गधा क्या है तू, अरे लड़का है क्या, गधा है क्या, बेकूफ है, अरे क्या तेरे पास, अरे अपने बात पे गया क्या, बड़ा आदमी तेरे बोल रहा है, मार रहा है,
अरे फोन कर दे मैं तेरी ना मैं तेरी समझ गया बोल रहे चीची बोल रहे बजाते रहूंगी नमस्ते। हेलो क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अंकिल जी नमस्ते। हेलो जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। बउआ भाई कौन बउआ? तो एक मिनट चाहिए था, ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई साहब। हाँ जी बोलो, बोलो। आवाज आ रही है? हेलो हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलो जी। मैं कह रहा था मेरे एक दोस्त हैं। हाँ जी सुधाकर नाम है उसका। अरे ठीक है तो बोलोगे भी। उसने ना इंडिया पाकिस्तान मैच का टिकट कटाया था 4 तारीख इंग्लैंड में जो है। हाँ जी तो टिकट तो सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है। हाँ जी लेकिन 4 तारीख को उसकी शादी भी है। अबे जब शादी थी तो टिकट क्यों कटाया उसने? नहीं शादी बाद में तय हुई है, टिकट पहले कटा लिया था। हेलो तो फिर मैं क्या करूं? नहीं सुधाकर का भी टेंशन चल रहा है ना, वो वही समझ नहीं पा रहा है कि वहाँ अरेंजमेंट सब कुछ हो रखा है, यहाँ शादी का भी है तो अब टिकट भेज जाएगा। अबे तो फिर मैं क्या करूं? तो मुझे ये बता मैं करूं क्या? नहीं तो करना यही है कि 4 को उसकी शादी है ना। अबे तो शादी उसकी है ठीक है, मैच उसे देख रहा, मैं टिकट लेके क्या करूंगा? टिकट आपको नहीं दे रहा हूँ मैं, टिकट के लिए थोड़ी। चलो ठीक है नहीं ले रहा फिर क्या करूं मैं? उसकी जगह अगर आप शादी कर लो तो वो जा सकता है आराम से मैच देखने। और काम नहीं है क्या तेरे को? हंसी छूट गई आप गिरी। तेरे को लगा मैं इंग्लैंड का टिकट तेरे को दे रहा हूँ। भैया तेरी आवाज से लग रहा है तू DTC का टिकट नहीं लेता है नी? अबे ए, मदद करेगा सुधाकर की या नहीं? अबे सुधाकर की मत बोल कुछ सुधाकर को। क्या सुधाकर को कुछ मत बोलना, तेरे में दम नहीं है। अबे सुधाकर सुधाकर की ठीक है, अगली बार अगर तूने सुधाकर को बोला ना मैं बोल रहा हूँ अब तेरे में हिम्मत नहीं है। अबे सुधाकर सुधाकर बड़ा फोन रख। हेलो 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 एक मिनट रुको। हाँ जी हेलो क्या वो बिजी है क्या आप? हाँ भैया सुबह सुबह बिजी होता है। हेलो आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हेलो हाँ जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, एक सेकंड इससे पहले कि आप बोलें कि कौन क्या क्यों कैसे मेरे को फोन क्यों लगाया, मैं आपको एक डिटेल बता दूं। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनकी हेल्प के लिए हमने सोचा कि लोगों को बता दें कि क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी हो। आपको पसंद नहीं है आप फोन रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। शादी आपकी हुई नहीं हुई? नहीं हुई है। शादी करने के लिए इंसान को साइंटिस्ट होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर अदर वे राउंड शादी करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बोथ द वेज। क्या सुन मैं बताऊँ कैसे? अब हल्की हल्की नींद में लग रहे मेरे को, नींद में होता है। एक सेकंड में बता दूँ, देखो आप शादी करोगे, एक मिनट आप शादी करोगे लड़की से ही करोगे है कि नहीं? लड़के से भी होती है क्या? हाँ लड़के से होती है, लड़के से होती है। मेरी बहन ने की है लड़के से शादी। सॉरी तो देखो आप लड़की से शादी करोगे, शादी के बाद लोग कहेंगे आप घूमने जाओ, आप घूमने के लिए प्लानिंग करोगे, इस वक्त सर्द का मौसम चल रहा है तो आप सोचोगे थोड़ा और पहाड़ पे जाके बर्फ देखें, राइट? आप बर्फ देखने के लिए बर्फ वाले इलाके में जाओगे, ग्लव्स खरीदोगे, ग्लव्स दस्ताने खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? इमेजिन भी कर रहे हैं। ग्लव्स खरीदे, ग्लव्स खरीदने के बाद आप बर्फ के गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हो, फोटो ले रहे हो है कि नहीं? इसी बीच आपका ग्लव्स हाथ से छटक के बर्फ में गिर गया और वहाँ तेज बर्फबारी के चलते वो बर्फ में ग्लव्स दब भी गया आपका। और जैसे बर्फ में ग्लव्स दबा आपको ठंडी महसूस हुई, आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की। यार तू क्या कर रहा है? आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की, की। और जैसे बर्फ हटाने की कोशिश की ग्लव्स नीचे दबता गया, आप बर्फ हटा रहे ग्लव्स दबा है, हटाते 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 आपने आधा पहाड़ खोद दिया, और जैसे आपने खोदा पहाड़ उसमें से निकला उसमें से निकला चूहा, और जैसे चूहा निकला, देखो चूहा निकलता है तो चूहे पे ही तो एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट। आप वापस गलत नहीं, शट अप। आप भी शादी करिए, साइंटिस्ट बनिए, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। कोहली भी साइंटिस्ट बन सकते हैं क्या? हेलो हेलो भाई कौन है? हेलो काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ।
हेलो हेलो कौन है? हेलो पागल का बच्चा पता नहीं पागल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो तेरी जान ले दूंगा मैं, है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहे थे जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना, कौन बोल रहे हो पहले से? एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे हैं, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं, मैं बता रहा हूँ। फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी, ठीक है। और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं? साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ूंगा ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल के। पागल नहीं साले, वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बहुआ बोल रहे अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो जी, हाँ जी, अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बोल अंकल दिख रहा हूँ। अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। सर मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई सज्जन होते हैं जो एक एक सेकंड में फोन काटते, पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गया अभी भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब है रीसे आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते हैं। मेरा नाम बहुआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए, कनेक्शन कुछ नहीं है। ऐसे कोई भी रेफरेंस चल देगा तू? तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये भी मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा, उसकी शादी 1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे ठीक है, ये बता इससे मेरा क्या लेना देना, मंजुलिका था अनुराग अनुराग सरला फरला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ हाँ, वो रविंदर भी। गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना आगे? वही बता रहे हूँ, तो 1945 में रविंदर जी सरला जी शादी किए, 1964 में मंजुलिका हुई जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ, 1982 में नैना इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी, मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ, किसी की भी। सॉरी सॉरी सॉरी, तो नैना 1982 में हुई, कॉलेज जाने लगी, 1998 में उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा, उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं बस। अब बताओ नैना सिंह किसकी बेटी है? मंजुलिका की। वाओ, और मंजुलिका जी सरला जी की बेटी है। सरला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए। और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। रविंदर, तो गुत्थी सुलझ गई। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, वो उसको कहती। अरे रविंदर नाम था उसका भी, सरला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलो बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। लोगों को जागरूक करने की से हम बात कर रहे हैं, नाम बहुआ लिखते हैं हम। अच्छा, मंदिर में क्या होता है भाई साहब? घंटा होता है। घंटा अच्छा चल रहा है कुछ? हेलो। हेलो, इतनी बीमारियां फैल रही लोगों को, क्या अच्छा चल रहा है? पहचाना नहीं, कौन बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा था मैं, आपका भी एक फोन लगा। बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही बीमारी कहाँ से आ रही है।
चिकन गुनिया, डेंगू, डेंगू का ले, डेंगू कैसे फैलता है बताइए आप? डेंगू मच्छर काटने से फैलता है। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में घंटा होता है। घंटा डेंगू मच्छर से फैलता है। हेलो हेलो, अरे मच्छर इंटरनेट से फैलता है, पता नहीं इतना। इंटरनेट से कैसे फैलता है भाई? एक मिनट, आदमी आजकल सबसे ज्यादा अपने मोबाइल में बिजी रहता है, हाँ कि ना? मोबाइल में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखता रहता है, शेयर करता है, लाइक करता है, करता है कि नहीं? हाँ करता है। आजकल गर्मी चल रही है, लोग कूलर चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं। कूलर में पानी भरते हैं कि नहीं? भरते हैं। अब पानी भरते हैं, लेकिन जब आखिरी बार गर्मी का सीजन में आखिरी आखिरी में कूलर से पानी निकालना भूल जाते हैं, है कि नहीं? हाँ ऐसा है। क्यों निकालना भूल जाते हैं? क्योंकि इंटरनेट पे बिजी है, और पानी निकालना भूल जाते हैं, इसकी वजह से उसी पानी में जमा होके मच्छर बनता है, वही मच्छर डेंगू का मच्छर बनता है। अब बताओ मच्छर की वजह से हुआ है या इंटरनेट की वजह से डेंगू? क्या बकवास कर रहा है तू? बताइए। नहीं क्या आदे, आदे कुछ भी अपनी तरफ से बना बना। आप गलत नहीं बोल सकते। इंटरनेट के अलावा इंजीनियर लोगों की वजह से भी होता है, बताओ कैसे? कैसे? अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करता तो उसके पास खाली दिमाग नहीं होता, वो बिजी रहता, और खाली दिमाग था इस वजह से उसने आविष्कार किया कूलर और मोटर का, और इसी में पानी भरता है और इसी से मच्छर बनता है और इसी से। गलत मत बोलो। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोल भाई। मैं कह रहा था, क्या सीन है? सीन किस चीज का? अरे बता दो। अरे भाई किस चीज का? अरे पार्टी का, न्यू ईयर पार्टी का। पार्टी का सीन होना है भाई? हैं? पार्टी का सीन होना है, तू बता भाई क्या करना है। नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब सेट है ना सब? तू है कौन? मैं देखो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूँ जानना। हाँ। ज्यादा जरूरी ये है कि सीन सेट है ना तेरा, फुल सीन फुल सेट है भाई। तैयारी कर ली है ना तूने? तैयारी पूरी कर ली है, तू अपनी बता। नहीं मैं इसलिए बोल रहा था कि तेरे को अकेले क्लब में एंट्री न मिले तो फिर पंगा होगा ना, मतलब। अरे हमारे को एंट्री मिल जाएगी भाई, बंदी हमारे पास, तू छोड़। बंदी के साथ है, वेरी नाइस। तो क्या तैयारी की है तूने? तैयारी पूरी सेट है भाई, पार्टी वार्टी कर लेंगे बढ़िया तरीके से, दारू वारू फुल सेट है अपनी, खंबा ले लेंगे पूरा अपना, खंबा ले ले। जैकेट जुकेट लिया है? जैकेट वैकेट सब ले लिया, लत्ते उत्ते ले लिए, कपड़े कुपड़े ले लिए, कपड़े कुपड़े जूते उत्ते ले लिए, टोपी उपी ले ली। ले लिया भाई। गलत क्यों बोल रहा है? गलत काम बोल रहा हूँ, बता तेरे को क्या काम है? नहीं तो गाड़ी तो कैसे जाएगा, ऑटो से जाएगा, कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएंगे, ऑटो में जाएंगे हम, कैसी बातें कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी। तो गाड़ी में गाड़ी खुद की है, बंडी की है गाड़ी? अरे अपनी गाड़ी है। तो खुद की गाड़ी है तो, और भाभी जी बोल सकता हूँ मैं बंदी को तुम्हारे, या बंदी बोलूँ? अरे भाभी जी बोल ले, क्या दिक्कत है भाई, अपनी है। अच्छा तो गाड़ी भाभी जी चलाएंगे, आप चलाएंगे? अरे मैं चलाऊंगा भाई, वो क्यों चलाएगी? अच्छा तो वापसी कितने बजे तक आएंगे आप लोग पार्टी से? अरे भाई कैसी बात कर रहा तू, बावड़ा आराम से आएंगे, एक बजे आएंगे बड़ा पार्टी करके, पार्टी करके। तो मतलब गाड़ी भाभी जी ने, आप ही चलाएंगे जाने आने दोनों तरफ? हाँ हम ही चलाएंगे भाई। और तूने बोला तू खंबा खत्म कर देगा, खंबा भी ले लिया तूने? बिल्कुल भाई, और इससे इसके बिना तो पार्टी नहीं होगी हमारी, पार्टी नहीं। तू क्यों चौधरी बन रहा है? तो क्या हो गया, मैं पूछ ही रहा था ना, मैं आपकी मदद कर रहा था। तुम्हारी मदद मत कर। नहीं नहीं एक सेकंड, मैं आपको खाली एक नंबर देना चाह रहा था, नोट अगर कर लें। क्या नंबर? हेलो, हाँ, 1 1 0 0 2। अरे क्या है, क्या ये भाई साहब? ये एम्बुलेंस का नंबर है, 102। तो मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ सकती है, पार्टी करेंगे, फुल टल्ली रहेंगे, गाड़ी भी आपका भाई, मतलब भाई चलाएगा, आपने बोले भाभी जी को देंगे नहीं, तो अंत में जैसे ही आपकी गाड़ी है ना, तो फिर आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है, या फिर एक काम करना बा, हेलो है ना लाइन पे? हाँ। आपको क्या, आप तो ठोके पड़े रहेंगे ना, तो फिर दूसरे लोग यूज करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, आप मत नोट करो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे, है ना? हेलो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे एम्बुलेंस। अरे पड़ सकती है एम्बुलेंस की जरूरत भाई साहब। चलिए ठीक है, इस हैप्पी न्यू ईयर, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, 93.5 FM बजाते रहो अंकिल, नमस्ते बहुआ बोलिए।